जनाब रातों को 2 बजे 12 बजे उठाकर यूं कह के कि हम पुलिस वाले उठाकर लेके जाके उसको मार देते, हमारी जुबान नहीं खुलती। इसी बंगाल की धरती का वो घटना भारत के किसी सरकार को, किसी स्टेट के सरकार को यह अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी पढ़ने वाले तालिब इल्म के घर से उसको उठा कर लेकर उसकी हत्या कर दो। अगर कोई करता है तो आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मौलाना व्हाट इज नीड टू रेज योर वॉइस, क्या जरूरत है हमें अपनी आवाज बुलंद करने की? नहीं, उठाओ अपनी आवाज। 20 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, नबुवत नहीं मिली थी। एक मक्का के एक मुशरिक अहले किताब आस बिन वाइल, एक जबीद नाम का आदमी आया बाहर से। जब वो मामलात करने लगे तो आस बिन वाइल ने सोचा कि ये बाहर का आदमी है, ये परदेसी है, उनके माल को हड़पने की कोशिश की। वो आदमी चीख कर कहता रहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, है कोई मुझे इंसाफ दिलाने वाला? मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबुवत नहीं मिली थी, वो सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह थे, वो सिर्फ अहमद इब्ने अब्दुल्लाह थे, नबी नहीं थे। उस वक्त उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अल्लाह की रोशनी में, अल्लाह के फरमान की रोशनी में आप अली सलाम अपने उस बुराई का खात्मा करते। अल्लाह के तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं था, लेकिन जवानों 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक तंजीम बनाई, उस तंजीम का नाम हिल्फुल फजूल रखा, और तमाम जवानों को बुला करके कहा कि आस बिन वाइल के पास चलो और उस जबीद आदमी के जो हक हुकूक पाए जाते हैं वो उनसे छीन कर लाकर उसको हम देंगे। आस बिन वाइल के पास पहुंचते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और कहते हैं कि तुमने धोखा किया है उसके साथ, तुमने जुल्म ज्यादती की है उसके साथ, हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे, इनका पैसा लौटाओ, इनकी दौलत दो, इनके जो हक बनते हैं ये पेश करो पहले। आस बिन वाइल को मजबूर होना पड़ा उस संगठन के सामने, उस तंजीम के सामने में, और मजबूर होकर उस जबीद नामी इंसान के जो हक बनते थे आस बिन वाइल को देना पड़ा। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे मुसलमानों, ये प्रूफ मिलता है हमें नबी की जिंदगी से कि अगर हावड़ा के शहर में अगर किसी जवान का कोई मर्डर करता है तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमें भारत के संविधान के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। अगर हम बुजदिल बनकर बैठे रहे तो ये समझो कि आप मुर्दा कौम, आपके अंदर तब्दीली की कोई निशान मौजूद नहीं। और याद रखिए, अगर हम तब्दीली के लिए कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम परिवर्तन के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भी मदद नहीं आएगी। अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्जों में कहा है इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اے نوجوانوں، اے قوم مسلم کے لوگوں، اگر تمہارے ایک معصوم بیٹے کو اگر ہاوڑا جیسے شہر میں مارا جاتا ہے یا بنگال بہار میں مارا جاتا ہے بنا کسی جرم کے، تو آواز بلند کرو تاکہ تمہاری آواز کی گونج کی وجہ سے ان ظالموں کی نیند حرام ہو جائے جو عیش کی زندگی گزار کر ہمارے غریب بچوں کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، ان کی ہتیا کرتے ہیں، ان کو مرواتے۔ اگر آپ نہیں آواز بلند کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ Therefore we should to stand up, we should to fight against the anti of Indian constitution, جو اس دیش کا دشمن، جو ہمارے ملک کا دشمن ہے، ان کے خلاف تو ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی۔ تو یہ پروف کہاں سے ملتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ حلف الفضول کا وہ واقعہ مشہور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حلف مینس اگریمنٹ، معاہدہ، ایک سنگٹھن۔ آج کی تاریخ میں سنگٹھن ہے، آر ایس ایس والوں کا ہے، بجرنگ دل والوں کا ہے، مسلم کے اندر ہمارے جمعیت علماء ہند ہے، امانت شریعہ پٹنہ، مسلم پرسنل لا بورڈ، بہت ساری تنظیمیں، سنگٹھن ہیں۔
लेकिन अगर आपके गांव में एक कमेटी है, जलसे की कमेटी है, जैसे जवान लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, तो वो भी उसके जिम्न में आ सकता है, वो भी आ सकता। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको ये जिंदगी दी है जवानी की। मेरे नौजवानों, जो कर लोगे इस जवानी की उम्र में, आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते। अच्छे काम में खर्च करो, डरो मत किसी से, अल्लाह तबारक व ताला से डरो। बाकी दुनिया के जितने भी करप्ट नेता हैं, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं। आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे कभी कभी। ये भी प्रोग्राम किया होगा तो परमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोग परेशान कर रहे होंगे। आपने ये जलसा किया होगा तो बहुत से लोग कहेंगे यहां क्यों जलसा कर रहे हो, अभी कोरोना चल रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें। क्यों जी, हम अपने धार्मिक बातें नहीं कह सकते क्या? हम अपने मजहब की अच्छाई को नहीं बोल सकते? जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का संविधान हमें परमिशन देता है, तो तुम किस खेत की मूली हो मना करने वाले? हम अपनी बात कहेंगे, हम अपनी अच्छाई को बयान करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। और हमें किसी से डरना भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, बाकी दुनिया में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ। जब आप अल्लाह से डरते हैं, मैदान में निकल जाते हैं हक के अलम को लेकर, हक के झंडे को बुलंद करते हुए, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नुसरत और मदद आती। आई ना कर्नाटका में उस बेटी के ऊपर, अकेले थी ना, बाकी 100 भेड़िए पीछे, वो सारे जवान, वो जवान नहीं, वो बुजदिल है, वो बुजदिल, वो जवान नहीं थे, वो सारे बुजदिल थे, भेड़िए थे वो। समाज की एक बेटी को इज्जत देना चाहिए, लेकिन उसके बचाए उन नौजवानों ने क्या किया? उसको डराने की कोशिश की, उसको धमकाने की कोशिश की। बेटी का सम्मान होना चाहिए ना, सिर्फ कुरान में नहीं है, अहादीस में नहीं है। एक औरत है, पता नहीं क्या नाम है, टीवी में आती, उन्होंने कहा कि हिजाब कुरान में कहाँ है। अरे कुरान पढ़ो तो तुम्हें हिजाब का पता चले। फस अलू मिम वरा इल हिजाब नहीं है, साफ लफ्जों में हिजाब है कुरान में, पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। खाम खा एतराज, कुरान में हिजाब कहाँ है, कुरान में पर्दा कहाँ है। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن। क्या मतलब है इसका? وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى। क्या मतलब है इस आयत का? يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري। यहां तो साफ कहा, सिर्फ मुस्लिम नहीं कहा, सबको, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, सब आदम की औलाद। जय श्री राम का नारा लगाने वाला भी आदम की औलाद, अल्लाहु अकबर का नारा लगाने वाला भी आदम की औलाद। या बनी आदम, ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। ओम और हवियावती गीली विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रदान नगर के एक गार्डन में उन्हें रखा गया, प्रदान नगर। कितना खूबसूरत मैसेज है। और कुरान में क्या है? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, जन्नत में रखा। वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैतु शितुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। लेकिन जब उन्होंने खा लिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको जन्नत से निकाला, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रूह डाली उसमें। फैदा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिर रूही, अल्लाह ने अपनी जान डाली उसमें। फैदा सवैतु, उनका मुजस्समा बनकर तैयार हो गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम को तैयार करके फरिश्तों के सामने रखा, सबसे सजदा करवाया, और फिर तमाम दुनिया के चीज़ों के नाम बताए। तमाम दुनिया में जितनी भी चीज़ें आज वजूद में आती है, सारी चीज़ों के नाम बताए। वह तिबियानन लिकुल्ली शय, दुनिया के अंदर अगर कोई साइंसमैन है, दुनिया के अंदर अगर फिजिक्स पढ़ते हैं, दुनिया में अगर हम और किसी और फील्ड को चुनते हैं, MBBS है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। आज मैंने तहकीक की कि दुनिया का सबसे पहला यूरोप से भी पहले, अगर सबसे पहला
लेबोरेटरीज, सबसे पहला ऑब्जर्वेटरीज, सबसे पहले जांच करने का केंद्र स्पेन के गोल्डा टावर एक जामे मस्जिद अशबीलिया में, उसके 300 फीट मीनारे के अंदर सबसे पहला लेबोरेटरी साइंटिस्ट का बनाया हुआ था। उससे पहले यूरोप के अंदर में साइंस का वजूद नहीं था। सबसे पहले ये वीनस प्लानेट को किसने ढूंढ कर निकाला, किसने, दुनिया जानती है, दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने वीनस प्लानेट, यानी आसमान में जैसे चांद है, सूरज है, तो 8 प्लानेट्स है, इनमें से एक प्लानेट का नाम वीनस है, एक का नाम मार्स है, एक का नाम जुपिटर है और एक का नाम मून, चंद्रमा, जिनको हम चांद बोलते, एक का नाम सूरज है, 8 है। इनमें से एक वीनस प्लानेट को आंख से देखा अगर किसी ने तो उसका नाम बू अली सेना था। सबसे पहले अपनी निगाहों से देखने वाला, समंदर में पत्थर कैसे बनता इसकी तहकीक पेश करने वाला अगर कोई है तो उसका नाम बू अली इब्न अली सेना है। और फिर जानवरों की हड्डियों से पत्थर कैसे तैयार होता है इसके ऊपर तहकीक करने वाला अगर कोई है तो वह एक मुसलमान। दुनिया के अंदर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करने वाले जो कैंची होती, सर्जरी करने वाले जो आलात होते, इसको बनाने वाले का नाम अबुल कासिल अज़वाहिरी है, जो कि स्पेन के पाए जाते। उनसे पहले साइंस का वजूद नहीं था, तो साइंस को भी किसने वजूद बख्शा? हम मुसलमानों ने वजूद बख्शा। वहां से निकला है कुरान से, थाईलैंड का वो टेटा कट, वो तेजस्यान सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसने दर्द के ऊपर तहकीक की और उससे कहा गया कि आपने अभी दर्द पे तहकीक की है। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने 1450 साल पहले बता दिया कि दर्द अगर हो, चमड़े में जान ना हो तो कैसे उसका इलाज किया जाता है, तो कुरान में बयान किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, लेकिन जब वो आयत पढ़कर सुनाया गया, इन्नल लदीन कफरु बि आयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नुज़िजत जुलूदुहुम बिदन व बदलनाहुम जुलूदन, अल्लाह तबारक व ताला के इस आयत को जब उसने खुद से पढ़ा तो वह हालत इस्लाम पर तो नहीं था उस वक्त, लेकिन जब उसने पढ़ा तो मुसलमान बनने पर मजबूर हुआ। उसी कुरान में है मिन वरा अल हिजाब, हिजाब का तज़किरा, हिजाब का वजूद उसी कुरान में है। बताने की जरूरत है इन लोगों को जो नहीं जानते। हमारे कुरान को मत लीजिए, आप अपने ग्रंथ में लीजिए, आपके ग्रंथ के अंदर भी हिजाब का तज़किरा, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, सम्मान होता है, तो वो ईश्वर उस घर में बरकत लाते हैं। संस्कृत में वर्ड है उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, सिर्फ जय श्री राम का नारा। रामचंद्र जी की जिंदगी क्या उस पर अमल नहीं करेंगे, सिर्फ नारा लगाएंगे जय श्री राम। किस लिए? डराने के लिए। हम डरने वाली कौम नहीं है। हम अगर डरने वाली कौम होते तो हमारे इस देश में इतनी कुर्बानी हमारी नहीं होती, देश आज़ाद नहीं होता हमारा। अगर डरने वाली कौम होते तो ये देश आज़ाद होता। सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत हमने की जना। आगे बताया तत्रे वास्तु न पूजन्ते, वास्ति कामगरह क्रिया, अगर बेटी की इज्जत नहीं करोगे परमात्मा नाराज हो जाएगा, ईश्वर नाराज हो जाएगा। तो अब बताइए उस बेटी के पीछे जो नारे लगे हैं, कौन से नारे लगे? जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आप जय श्री राम का नारा लगाइए, कोई आपत्ति नहीं, लगाइए, भक्ति के लिए लगाइए, जय श्री राम, जय कृष्ण, जय परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव, गायत्री मंत्र पढ़ो, ब्रह्मा सूत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश ते हलोक उजागर, कुछ भी पढ़िए आप, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, मना नहीं। हम ऐसे कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, हमको मना नहीं, भारत का संविधान हमें परमिशन देता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान अल्लाह की, अल्लाह का नारा लगाकर किसी हिंदू को तकलीफ देता है तो अल्लाह के नबी का फरमान है ला यदखुलुल जन्नत मल्ला यामनु जारहु बवाइकहु, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता
وہ مسلمان جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو A person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties محمد الرسول اللہ کہتے اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے نعرے سے اگر کسی ہندو بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس مسلمان کو جنت جانے کا کوئی حق نہیں لیکن وہیں پر ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی کچھ اصول ہیں اگر آپ نے شری رام چندر جی کا نعرہ لیا جائے شری رام کے نعرے لگائے کوئی بات نہیں آپ لگاؤ آپ کو سمویدھان اجازت دیتا فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس بھارت کا سمویدھان ہے یہ فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن پروفیشن میں آتا ہے جائے شری رام اینڈ پریکٹس میں آتا ہے پوجا ارچنا گھنٹا بجانا درگا پوجا کرنا خسیوں کے بلی چڑھانے یہ سب آتا ہے پریکٹس میں اینڈ پروفیشن میں آتا ہے جائے شری رام آتا ہے بھارت ماتا کی جائے لیکن آپ جائے شری رام کا نعرہ لگاتے ہو صرف اس لیے کہ مسکان جیسی بیٹی کو ڈرا دیں مسکان جیسی بیٹیوں کو ڈرا کر ہم اپنی دادا گیری اور تانہ شاہی ثابت کریں گے تو یاد رکھو یہ وہ قوم ہے جو کبھی کسی ظالم سے ڈری نہیں ہے یہ وہ قوم ہے چاہے بیٹی ہو کہ بیٹا ہو اگر بیٹا اس قوم کی میدان میں آ جائے تو نمرود کے سامنے نہیں ڈرتے اگر نمرود ظالم بن کر آیا تھا تو اس قوم کا بیٹا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے حق بنا کر اور حق کا پیغام دے کر بھیجا اور کہا کہ ابراہیم جائیے آپ اس نمرود وہ نمرود جو صرف ایک اسٹیٹ کا سی ایم نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے اندر حکومت تھی چار بادشاہ ہیں جس کی پوری دنیا میں حکومت رہی ایک کا نام نمرود ہے دوسرے کا نام بخت نصر ہے اور پھر تیسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور چوتھے کا نام سکندر ذوالقرنین یہ چار بادشاہ ہسٹری میں ہیں انسان کی ہسٹری میں جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی تو ایک بادشاہ جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی نمرود تھا اس نمرود کے سامنے میں اس قوم کے ماننے والے اس مذہب کی تبلیغ کرنے والے ابراہیم نہیں ڈرے تھے تو آپ کس کو ڈرانا چاہتے ہو عبداللہ سالم کو ڈرانا چاہتے ہو یا بنگلہ دیش کے مقرر صاحب جو آئے ہوئے ان کو ڈرانا چاہتے ہو یا کسی اور مقرر کو ڈرانا چاہتے ہو بھارت کے ایک ایک مسلمان کیا پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہمیں جتنی محبت اللہ سے ہے اتنی ہی محبت ہمیں اپنے اس ملک سے ہے جتنی محبت ہمیں قرآن سے ہے اتنی ہی محبت ہمیں بھارت کے سمویدھان سے جتنی نفرت ہم راکشس راون سے کرتے ہیں اتنی ہی راکشس آج کے دیش میں جو جائے شری رام کا نعرہ لگا کر اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹے کو اتارتے ہمارے نبی کی تاریخ دیکھو جب آپ علیہ الصلات والسلام مدینہ المنورہ سے مکہ چلے تھے تو ایک صحابی نے کہا تھا اے اللہ کے نبی آج ہماری تلوار میام سے باہر ہے یہ ابو جہل کے چیلے ہیں یہ عتبہ شیبہ کے ماننے والے انہوں نے بلال حبشی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا انہوں نے خباب بن ارد کے انگاروں پر لٹا دیا تھا اے اللہ کے نبی آج تو بہت اچھا موقع ہے 10,000 فوج ہمارے پاس ہے آج تو ہم نعرے تکبیر بول کر ایک ایک ماں کی عزت کو لوٹیں گے ایک ایک کافر اور مشرکوں کی گردن کو اڑا دیں گے اللہ کے نبی کا فرمان تھا اے نبی اے میرے پیارے صحابہ میں جانتا ہوں ان کے تمام ظلموں کو مجھے یاد ہے ان کا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے ان کے شعب ابی طالب میں 3 سال تک ہمارے صحابہ کرام کا بائیکاٹ کرنا مجھے وہ بھی دن یاد ہے لیکن یاد رکھو اللہ نے قرآن میں مجھے میرے لیے کہا ہے کہ نبی آپ کبھی تلوار مت اٹھانا آپ کسی انسان کا نہ خون مت بہانا اللہ نے اپنے لیے قرآن میں کہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں اس دھرتی کا لیکن اے محمد آپ اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جا رہے ہیں دیکھو کرناٹکا کے ان شرابی نوجوانوں محمد الرسول اللہ نے کہا اے مکہ کی بیٹیوں تمہارے سر سے دوپٹے کو نہیں اتارا جائے گا آج اس نبی کی امتی کی بیٹی کو ان کے سر سے دوپٹہ اتارنے کے لیے تم جائے شری رام کا نعرہ لگاتے ہو شرم آنی چاہیے تمہیں وہ نبی جنہوں نے کہا کہ سفیان کے گھر میں اگر کوئی چھپ جائے گا میں اس کو بھی امن دیتا ہوں اور یہ کہا کہ مکہ کی ماں
आज तुम्हारे गोद को सुना नहीं किया जाएगा, तुम्हारे मांग को सुना नहीं किया जाएगा, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया जाएगा। है कोई माए कलाल ऐसी तारीख पेश कर दे। हमारे नबी तो दुश्मनों के लिए भी रहमो करम बनकर आए थे, आप अली सलातु वस्सलाम उनके साथ शफकत का मामला करते थे। ये खड़े होकर पेशाब करने वाले जिन्होंने, जिनके नबी ने तमाम दुनिया की बेटियों के लिए कहा कि जाओ तुम सब के सब आजाद हो, इस हबुवान तुम तुलका आद, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। मगर आज उनकी बेटी पर क्या कह रहे, जय श्री राम जय श्री राम, पर्दा उठा। अरे भाई, इट्स नॉट अ कल्चर, इट इज ओनली मोडेस्टी एंड साइन ऑफ मोडेस्टी। यह हमारा अल्लाह के तरफ से एक फरमान है जिसको हम अमल कर रहे हैं। हम अगर अमल नहीं करेंगे, हमारी बेटियां अगर पर्दे में नहीं आएंगे तो कहां जाएगी बेटियां, जहन्नम में जाएगी। अल्लाह के नबी का फरमान है साफ लफ्जों में। अम्मा आयशा फरमाती है कि एक मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कि हम जब गए मेराज में तो वहां हमने देखा कि समाज की बेटियों को अल्लाह तबारक व तआला ने उल्टा लटकाया हुआ, सर के बालों के बल ऐसे उल्टा करके नीचे से आग जल रही। पूछा हमने जिब्राइल अमीन से कि क्या माजरा, उन्होंने कहा कि ये समाज की वो बेटियां हैं जो हिजाब नहीं करती थी, अपने बालों को नहीं ढांपती थी, मार्केट में गई तो बाल खोलकर, ओपन एंड ओपन हर हेयर, सब के सब सारे बाल खुले हुए, होंठ में लिपस्टिक है। इससे बचने के लिए हमारी बेटियां हिजाब करती, और हिजाब करती तो किसी को ये थोड़े कहती हिंदू भाई को या नॉन मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, जैन को कि तुम भी करो, नहीं करोगे तो तुमको मारेंगे पीटेंगे, नहीं कहती, अपना अमल करती है ना वो। और अपने अपना कोई भी कपड़ा हम पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, कोई भी कपड़ा हम पहन सकते हैं। लाल बुजक्कर जी पहनते हैं ना, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी पीला पीला कपड़ा पहनते हैं, क्यों, द फ्रीडम टू वेयर द एनी क्लॉथ्स। It is not fashion of clothing, it is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. ये कपड़े का फैशन नहीं है बल्कि यह अल्लाह का ऑर्डर है, हर कोई पहन सकता है, जिसको जो कपड़ा मन में आए पहने, जिसको जो समझ में आता नहीं पहनेगा। पर्दे का ताल्लुक कुरान में नहीं है, पर्दे का ताल्लुक अदर ग्रंथों में भी है और दूसरे ग्रंथों में भी। मैंने एक मंत्र पढ़ा, कितना खूबसूरत मंत्र है ये, अभी हमने तहकीक की, इसके ऊपर रिसर्च किया है हमने। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, मतलब इसका क्या है, मतलब इसका कुल लिल मुमिनाति कुल लिल मुमिनीना यगुज्जु मिन अबसारिहिम यगुज्जुन मिन अबसारिहिन व यहफजन फुरूजहुन वला युबदीन ज़ीनतहुन, से टू द ब्लीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड, डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर पर्सन, किसी गैर महरम के सामने में अपने चेहरे को बालों को खोलने की जरूरत नहीं। अगर अल्लाह ने जवानी दी है कर्नाटक के मेरे भाइयों, तो बेटियों की रक्षा करो, बेटियों का सम्मान करो,